पृथ्वी, जिसने भी यहां जन्म लिया उसे एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही है, क्योंकि जीवन और मृत्यु हर जीवित शरीर के दो पहलू हैं। लेकिन शायद आप ये सुनकर हैरान हो सकते हैं कि दुनिया में सभी जीव ऐसे नहीं हैं जिनका मृत्यु होना तय है, क्योंकि आज भी पृथ्वी पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो लाखों सालों से अभी तक जिंदा हैं और आने वाले समय में भी ये जीवित ही रहेंगे। और आज इन्हीं कभी ना मरने वाले जीवों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इनके अलावा भी आप ऐसे जीवों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लंगफिश। दोस्तों, आपने मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये कविता तो बचपन में सुनी ही होगी। लेकिन अभी जिस मछली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो बिना पानी के भी कई महीनों तक जीवित रह सकती है। इस मछली का नाम लंगफिश है, जो सूखा पड़ने के समय भी जिंदा रह सकती है, और ऐसा केवल इसके फेफड़ों की वजह से हो पाता है। दरअसल सूखे के समय में ये फिश अपने लिए बिल बनाना शुरू कर देती है और पानी के सूखते सूखते खुद को बिल में छुपा लेती है। छुपने के दौरान लंगफिश अपने शरीर से एक तरह का पदार्थ निकालती है जो बिल में कोकून बन जाता है, और इसी कोकून में कई महीनों तक ये फिश अपने आप को हाइबरनेशन करके रखती है, वो भी तब तक जब तक कि बारिश का मौसम फिर से वापस ना आ जाए। साथ ही जितने महीनों तक ये मछली बिल में रहती है उतने ही महीनों तक ये कुछ भी नहीं खाती। एक बार बारिश का मौसम आने के बाद ये अपने बिलों से बाहर निकलती है और फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। इस प्रक्रिया को ये फिश अपने जीवन काल में कई बार दोहराती है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में इस मछली का शिकार भी किया जाता है। लोग पहले सूख चुके झील या नदियों की जमीन को खोदते हैं और फिर उसमें से इस मछली को निकाल लेते हैं। इसलिए अगर कभी आपको कोई ऐसी मछली दिखाई दे तो उसे उसके बिल में ही रहने दें, क्योंकि ये बिलों में मरती नहीं है और ऐसा केवल बारिश के मौसम का इंतजार करने के लिए करती है। वाटर बियर्स। इस जीव का वैज्ञानिक नाम टार्डिग्रेड्स है, जिसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये बियर से बिल्कुल भी मिलते जुलते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये मशहूर है तो सिर्फ कभी ना मरने के लिए। ये जीव दुनिया की सबसे खराब कंडीशन तक में बच सकता है। ये बेहद ही सूक्ष्म जीव है जो आधे मिलीमीटर के होते हैं। वाटर बियर पानी में रहते हैं और बेहद ही धीरे चलते हैं, और ये जीव इतना सूक्ष्म होता है कि इसे पानी में आंखों से देख पाना तो लगभग नामुमकिन है। वाटर बियर्स का -273 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड से लेकर 151 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके अलावा ये जीव रेडिएशन के सबसे खतरनाक लेवल से भी हजार गुना ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। वाटर बियर्स पानी के बिना भी एक हफ्ते या एक महीने नहीं बल्कि 10 सालों तक जी सकते हैं। साथ ही इस जीव की क्षमता को टेस्ट करने के लिए 2007 में बेहद ही अजीब एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके लिए वाटर बियर्स को वैक्यूम में बंद करके स्पेस में छोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये जीव पृथ्वी पर जिंदा वापस आने में कामयाब रहा। हाइड्रा। हमारी लिस्ट में जो अगला अमर जीव है उसका नाम है हाइड्रा। इस जीव की अद्भुत कभी न मरने वाली काबिलियत का पता 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने लगाया था, लेकिन उस समय इस तथ्य को कम रिसोर्सेस की वजह से साबित कर पाना मुश्किल था। आखिरकार 20th सेंचुरी के आखिर में ये साबित हो गया कि हाइड्रा कभी नहीं मरते। हाइड्रा बेहद चिपचिपे होते हैं, साथ ही इनके कई अंग समय के साथ ही पुराने अंगों से रिप्लेस होते रहते हैं। इसी वजह से हाइड्रा कभी नहीं मरते, बल्कि समय के साथ साथ ये और ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। लेकिन इन जीवों की संख्या भी सीमित होती है, क्योंकि इन जीवों को शिकार करने वाले जीव भी होते हैं जो इन्हें खा जाते हैं, और कुछ जीव बीमारी के कारण मर जाते हैं, लेकिन यह जीव कभी बूढ़े होकर नहीं मरते हैं। रेड ऑर्चिन। अगर आप पानी में रहते हैं तो इस जीव से बचने के लिए आपको भागना जरूरी आना चाहिए, क्योंकि रेड ऑर्चिन जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि ये केवल 15 सालों तक ही जीवित रहते हैं, लेकिन एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने पाया कि रेड ऑर्चिन बेहद ही धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जब उन्होंने सबसे बड़े ऑर्चिन पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि वो ऑर्चिन 200 सालों से जीवित था। इतनी उम्र होने के बावजूद ऑर्चिन स्वस्थ रहते हैं और बढ़ना जारी रखते हैं। ग्रीनलैंड शार्क।
अंटार्कटिका के ठंडे पानी में निवास करने वाली यह मछली 250 से भी ज्यादा सालों तक जीवित रह सकती है। इस जीव को किसी अन्य जीव से भागने और बचने की जरूरत नहीं होती। ये बेहद ही डार्क और ठंडी जगहों में रहती हैं, जहां खाने की भरमार हो। साइंटिस्ट के मुताबिक आयु में अभी तक कोई भी जीव ग्रीनलैंड शार्क को पीछे छोड़ नहीं पाया है। अगर शार्क स्पेशलिस्ट की माने तो ग्रीनलैंड के ठंडे में निवास करने वाली ये शार्क एवरेज 272 सालों तक जी सकती है। और इस प्रजाति की सबसे पुरानी शार्क जो कि 16 फीट लंबी थी, उसकी आयु 392 वर्ष है। दोस्तों, क्या इंसान भी भविष्य में इन जीव जंतुओं की तरह लंबे समय तक जीवित या अमर हो सकता है? क्या हम कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएंगे जिससे इंसान अमर रहे? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।